हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल ये टेबल की है सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा हुआ है फिर इक्वेशन फिर वैल्यू इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में पुट करना है और देखना है कि वो सेटिस्फाई है या नहीं है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो एक्स प्लस थ्री इस इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट है जीरो राइट पार्ट है वैल्यू गिवन दे रखी है एक्स इक्वल थ्री हम लेफ्ट साइड लेंगे लेफ्ट साइड एक्स प्लस थ्री एक्स की वैल्यू गिवन दे रखी थी थ्री एक्स की वैल्यू हम यहाँ थ्री पुट कर देंगे प्लस थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स और राइट right साइड में गिविन क्या है जीरो सिक्स नॉट इक्वल जीरो ये इक्वल नहीं आया राइट साइड के इस इक्वेशन में एक्स इजल टू थ्री सेटिसफाई नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे नो no. इक्वेशन की बिन है इक्वेशन की लेफ्ट साइड में हम जो वैल्यू की बिन है उसको हम वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि वो राइट साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं अगर राइट साइड के इक्वल आ जाती है तो यस है अगर राइट साइड के इक्वल नहीं आती है तो नो सेटिस्फाई इसी टाइप से हम सेकेंड करेंगे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल जीरो और एक्स की वैल्यू गिवन दे रखी है जीरो तो लेफ्ट साइड में हम एक्स की वैल्यू जीरो रखेंगे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एक्स प्लस थ्री और एक्स की वैल्यू रख देंगे जीरो जीरो प्लस थ्री इक्वल थ्री और राइट right साइड में गिवन क्या है जीरो जीरो वैल्यू नहीं आई है नॉट इक्वल जीरो तो ये नो no, इसी टाइप से थर्ड एक्स प्लस थ्री इक्वल जीरो एक्स की वैल्यू रखेंगे माइनस थ्री तो लेफ्ट साइड में हमने एक्स की वैल्यू रखती माइनस थ्री प्लस थ्री एक साइन आपका माइनस का एक साइन आपका प्लस का है माइनस थ्री प्लस थ्री इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो और जीरो हमारी क्या है राइट right साइड में तो लेफ्ट साइड इक्वल राइट हैंड साइड अब दोनों इक्वल आई हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाई है तो यस yes.

इसी टाइप से हम सभी पार्ट्स करेंगे फिफ्थ पार्ट x माइनस सेवन इज इक्वल वन और x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर गिवन है एट तो x की वैल्यू रख देंगे यहाँ एट माइनस सेवन लेफ्ट साइड को हम सॉल्व कर लेंगे एट में से जब सब सेवन सब्ट करेंगे वैल्यू आ जाएगी वन और वन यहाँ पे क्या है राइट साइड में भी गिवन है दोनों एक इक वैल्यू इक्वल आई इक है तो यस सिक्स पार्ट फाइव एक्स इज इक्वल ट्वेंटी फाइव और x की वैल्यू है, है मल्टीप्लाई का तो लेफ्ट साइड में हम x की वैल्यू रखेंगे फाइव इंटू जीरो इज इक्वल आ गया जीरो लेफ्ट साइड में वैल्यू आ गई जीरो जबकि राइट साइड में वैल्यू क्या ट्वेंटी फाइव तो नॉट इक्वल ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इक्वल नहीं आई नो सेटिस्फाई सेवन पार्ट फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव एक्स की वैल्यून है फाइव फाइव एक्स के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का तो फाइव इंटू फाइव इज इक्वल ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू आई है और राइट right साइड में ट्वेंटी फाइव है इक्वल आ गई तो यस सेटिस्फाई यह वैल्यू हो जाएगी यस एट्थ पार्ट फाइव एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और x की वैल्यू क्यों है माइनस फाइव और वैल्यू रखते हैं लेफ्ट साइड में फाइव इन टू एक्स की वैल्यू माइनस फाइव दे रखी है इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख लिया इज इक्वल फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो माइनस ट्वेंटी फाइव इसमें राइट right साइड में तो ट्वेंटी फाइव है लेकिन लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू आई है माइनस ट्वेंटी फाइव तो नॉट इक्वल ट्वेंटी फाइव नॉट सेटिस्फाई थ पार्ट एम अपॉन थ्री इज इक्वल टू एम की वैल्यू गिबिन है माइनस सिक्स अब लेफ्ट साइड में हम वैल्यू पुटअप कर देंगे माइनस सिक्स अपॉन थ्री डिवाइड करेंगे थ्री टू जै सिक्स माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा लेंगे थ्री टू जा सिक्स माइनस टू आ गया लेकिन राइट साइड में क्या गिबिन है टू तो नॉट इक्वल टू टू के इक्वल नहीं आया इसलिए नॉट सेटिस्फाई एम अपॉन थ्री इज इक्वल टू एम की वैल्यू की जीरो लेफ्ट साइड में हम वैल्यू रखेंगे जीरो अपॉन थ्री जीरो को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी नॉट इक्वल राइट साइड तो जीरो नॉट इक्वल टू तो नॉट सेटिस्फाई इसका आंसर हो गया नो no. इसी टाइप से हम इलेवन करेंगे एम अपॉन थ्री इज इक्वल टू एम की वैल्यू सिक्स रखेंगे सिक्स अपॉन थ्री इज इक्वल थ्री टू जो सिक्स राइट साइड में टू है और लेफ्ट साइड की वैल्यू भी टू आई है तो सेटिस्फाई करेगा तो आंसर हो जाएगा यस yes. इसी टाइप से आप आगे के क्वेश्चन कर सकते हैं थैंक यू हैव ए नाइस डे